लबैक 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 या रसूलल्लाह, लबैक 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 या रसूलल्लाह। ताज दारे खत्मे नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सलातु वस्सलाम अलैका या सैयदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सैयदी या हबीबल्लाह। तमाम कारकुनान भी मुतवज्जे हों, और पुलिस और इंतज़ामिया, हल्का पीपी 237 ज़िला बहावल नगर, मैं इंतज़ामिया को और पुलिस को इस तरह तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ कि जिस तरह पीपी 237 में नून लीग वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं, कुछ दिन पहले तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान के जलसे की तैयारियाँ हो रही थी, नून लीग के गुंडों ने वहाँ जाकर साउंड सिस्टम को तोड़ा, कुर्सियाँ तोड़ी, हमारे कारकुनान पर तशद्दुद किया। लेकिन बाद में जब इंतज़ामिया ने कहा कि इस बार जो है आप इस मामले को रफा दफा करें, आप FIR न दिलवाएं, तो आइंदा ऐसा मामला नहीं होगा, तो तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान के जिम्मेदारान और कारकुनान ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं, इस मुल्क में अमन व अमान चाहते हैं, इसलिए हमारे कारकुनान ने, हमारे जिम्मेदारान ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया और उनकी बात मान ली। फिर आज किसी बंदे ने शमूलियत करनी थी, हमारे कैंडिडेट वहाँ जाने लगे, तो इंतज़ामिया ने, पुलिस ने कहा कि आप अकेले चले जाएँ, काफिले की सूरत में न जाएँ। वो अकेले निकले और जब उस शमूलियत के बाद वापस आने लगे तो नून लीग के गुंडों ने फिर रास्ता रोक लिया। उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस वहाँ पहुँच गई, वो डंडे सोटे और पिस्टल हाथों में लेकर खड़े हुए थे, लेकिन पुलिस ने किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की। जब हमारे कारकुनान पहुँचे, उन्होंने एहतजाज शुरू किया, तो पुलिस ने कहा कि आप थाने आ गए, हम अभी FIR देते हैं। जब वहाँ पहुँच गए तो कहने लगे हमें 2 घंटे का टाइम दे दो, हमें 3 घंटों का टाइम दे दो, लईता लहल्ला से काम लेने लगे। तो मैं आपको खबरदार करना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करते रहेंगे, नून लीग के गुंडों को का साथ आप देते रहेंगे, और अगर आपने सुबह तक FIR न दी, तो कल इंशाअल्लाह नज़ीर जुमातुल मुबारक के मौका पर हम अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह नज़ीर मैं भी हाज़िर होंगा, जनूबी पंजाब के नाज़िब-ए-आला साहब भी हाज़िर होंगे, और जनूबी पंजाब की पूरी क़ियादत इंशाअल्लाह नज़ीर PP 237 में होगी, और फिर हम देखेंगे कि तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान के साथ कौन गुंडागर्दी करता है। कान खोल कर सुन लो, ऐसी गुंडागर्दी किसी भी हल्के में